नमस्कार, आप देख रहे जम्मू परिवर्तन में हूं रवि शर्मा। माता मिंदल की छड़ी यात्रा उधमपुर के बटल वाले क्षेत्र में पहुंचेगी। आप देख सकते हैं कि भव्य स्वागत जो है माता छड़ी मिंदल माता की छड़ी यात्रा यहाँ किया जा रहा है। आप देख रहे हैं माता मिंदल की छड़ी यात्रा उधमपुर के बटल वाले क्षेत्र में पहुंच चुकी है और छड़ी का भव्य स्वागत बट्टलवाड़ी क्षेत्र के स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है। आपको बताते चले कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माता मिंदल की छड़ी यात्रा माता मिंदल की तरफ रवाना हो रही है और विश्राम के लिए उधमपुर के बट्टलवाड़ी क्षेत्र में पहुंची है, जहां पर स्थानीय लोगों द्वारा छड़ी यात्रा का भव्य स्वागत किया जा रहा है। विश्राम के लिए माता मिंदल की छड़ी यात्रा उधमपुर के बटर वाले क्षेत्र में पहुंची। आप देखते हैं कि भव्य स्वागत जो है छड़ी का किया गया। आपको बताते चले हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माता मिंदल की छड़ी यात्रा मिंदल माता के दरबार के लिए रवाना हुई और उधमपुर के बट्टलवाली क्षेत्र में विश्राम के लिए पहुंची है। यहां पर बट्टलवालियाँ के स्थानीय लोगों द्वारा छड़ी का भव्य स्वागत किया गया। आपको दर्शन करवा दें मिंदल माता के छड़ी यात्रा के, ये देखिए तस्वीरों में। छड़ी यात्रा जो है उधमपुर के बट्टलवाली क्षेत्र में पहुंच चुकी है। दर्शन एक बार फिर से करवा दें। माता रानी के चरणों में जम्मू परिवर्तन की टीम भी नमन करती है और जम्मू परिवर्तन की समस्त टीम की तरफ से माता रानी से यही मनोकामना हम मांगते हैं कि देश भर में इस वक्त जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है उसको लेकर माता रानी से जे छड़ी यात्रा के दर्शनों के लिए, देखिए आप लोग जो हैं जहाँ पहुँच रहे हैं और छड़ी यात्रा के दर्शन किए जा रहे हैं। काफ़ी संख्या में जो है स्थानीय लोग मौजूद हैं। जम्मू परिवर्तन की टीम माता रानी के आगे नमन करती है और यही मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहती है कि जो देश भर में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है उसे कहीं ना कहीं राहत दिलाए। तस्वीरों में देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में जो है माता रानी के दर्शक भक्तगण जो हैं जहाँ पहुँचे हुए हैं। आपको बता दें एक बार फिर से कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है माता रानी की छड़ी यात्रा उधमपुर के बट्टलवाली क्षेत्र में पहुंची है, जहां विश्राम के लिए इस छड़ी यात्रा को यहां रोका गया है। और इस बार कोरोना महामारी के चलते कहीं ना कहीं छड़ी में जो लोगों भक्तों की तादाद थी उसमें कमी देखने को मिली। चंद लोग इस छड़ी यात्रा में शामिल हुए हैं। कोरोना महामारी के जो को लेकर जो निर्देश प्रशासन द्वारा दिए जाते हैं उनका पालन करते हुए जो छड़ी यात्रा उधमपुर क्षेत्र में पहुंची है। छड़ी यात्रा जो है उधमपुर के बट्टलवाली क्षेत्र में पहुंची है। कितने पड़ाव इस छड़ी यात्रा में रहते हैं इसको लेकर बात करेंगे। छड़ी लेकर आए हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि छड़ी जो है कहाँ से आरम्भ हुई, कहाँ कहाँ जाती हुई। जी उरु जी, कहाँ कहाँ से छड़ी आती है, कहाँ कहाँ पड़ाव रहते हैं, क्या अनुभव रहता है छड़ी को लेकर? छड़ी तो निकलती है क्यों ग्राम से, तो रात को हम किश्तवाड़ में रुकते हैं, दूसरे दिन में त्यारी में रुकते हैं, तीसरे दिन हम मिंदल में पहुंचते हैं, चारवें दिन वहां हम हवन करते हैं माँ के मंदिर में और 14 तारीख को वहां से वापसी होती है हमारे किश्तवाड़ में, तो 15 तारीख को हम अपने अपने घर में यात्रा पहुंचते हैं। तो इस साल हम इस बीमारी की वजह से हम कोई यात्रा लेकर नहीं जा रहे हैं, हम तो सिर्फ मत्था टेकने माँ के चरणों में जा रहे हैं, इसलिए कि ये माता, हे माँ, हे प्रभु, ये जो बीमारी चल रही है इसको दूर करो, सारे संसार की रक्षा करो माँ। इसलिए मैं 2 साल आपके चरणों में नहीं आ पाया हूँ। इस साल में ज़बरदस्ती माँ ने मुझे बुलाया है कि इसलिए कि एक संसार के रक्षा के लिए हम मत्था टेकने जा रहे हैं, क्योंकि वो माँ जो है, मिंदल माँ जो है, वो सतयुग में शिला के रूप में प्रकट हुई है। इस वक्त भी उसकी
5.5 फुट शिला वहाँ देखने में आती है, इसलिए वो शक्तिशाली माता है। इसलिए हम ये छड़ी वैष्णो माता के चरणों से, अभी वैष्णो माता संग में हैं, साथ में हैं, वैष्णो माता की छड़ी जा रही है। ऐसे तो चंडी माता के मंदिर से निकलती है, मतलब वैष्णो माता के हम चरणों में हैं, इसलिए वैष्णो माता संग में होती है। तो ये छड़ी हर साल 10 जून को निकलती है। ये तो हम छड़ी लेकर नहीं जा रहे हैं, उस यात्रा को लेकर नहीं जा रहे हैं, हम तो बीच में ही मत्था टेकने के लिए जा रहे हैं, संसार की रक्षा और प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं कि हे माता, ये दुख बीमारी जितनी भी है वो दूर करो, बस इतना ही मेरा विचार है। कितने बच्चों से आप जो है ये यात्रा लेके जा रहे हैं? 24 साल हो गए हैं, ये 25 साल का ये हम जा रहे हूँ मैं, 24 साल हो गए हैं यात्रा लेते हैं। तो इसमें एक साल खंडित हुआ है, तो बाकी ये 25 साल हो गए हम ये यात्रा चलाते हुए वहाँ। किस तरह से आगम आपको आया, जो छड़ी यात्रा आप लेके जाते, किस तरह आगम आपको आया, तो आपने जो यात्रा शुरू की थी? देखो, ये मिंदल यात्रा में मिचेल में चलता था, मिचेल यात्रा में जाता था, 15-16 साल में मिचेल में गया। उसके बाद माता ने मुझे आज्ञा दी, ऐसे विचार हुआ कि मैं पैदल, उस वक्त में कोई रोड का कोई भी सुविधा नहीं थी, रोड गाड़ी रोड का कोई नहीं थी, पैदल चलते थे लोग। तो मैं 7वें दिन वहाँ माँ मिंदल के पास, माँ भगवती के पास पहुँचा, और 7 दिन के बाद वहाँ से मुझे माता ने एक त्रिशूल दिया। त्रिशूल लेकर मैं अपने मंदिर में आ गया, और वो 11 साल के बाद फिर एक कन्या नज़र आई वहाँ सपने में कि हे, तुझे वहाँ से त्रिशूल मिला है। तो मैंने कहा, हाँ बेटे, मुझे त्रिशूल तो मिला है। कहते, त्रिशूल मिला है तो इस त्रिशूल की यात्रा मिंदल के लिए चला। मैंने कहा, ठीक है, वहाँ रास्ता नहीं है। कहते, तेरा रास्ता बन चुका है, अब यात्रा जो है तो मिंदल के लिए चला। अब उससे 12 आदमी लेकर मैं यात्रा को लेकर गया था, तो अब पिछले साल में यात्रा आई, 18,082 आदमी का वहाँ, जो हिमाचल का बाउंड्री है, हमें JNK और हिमाचल की वहाँ से गिनती हुई थी, तो 16,082 आदमी की वहाँ से मतलब गिनती हुई थी। तो ये यात्रा हर साल वहाँ मतलब की जाती है हिमाचल। ये डिस्ट्रिक्ट चंबा है और तहसील केलाड़ में है, तो उसमें उस मंदिर में उसमें हम हिमाचल में जाते हैं। इस साल भी हम नहीं जाना चाहते थे, मैंने DC साहब, चंबा DC साहब से बात की कि मैंने कहा, DC साहब, हमें 24 साल इस यात्रा को चलाते हुए हैं, तो आज हम जाना चाहते हैं। DC साहब ने कहा कि मेरे पास बहुत यात्रा है, और धर्मशाला यात्रा है, कांगड़ा यात्रा है, और मणिमेश यात्रा है, ज्वाला जी यात्रा है, धर्मशाला यात्रा है, तो मिंदल यात्रा है। तो मैं पुजारी जी आपको आज्ञा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं हर वक्त फिर हर यात्रा को आज्ञा मुझे देनी पड़ती है। इसलिए आप थोड़े आदमी हो सकते हैं कि थोड़े आदमी लेकर मत्था टेक लो, बस इतना विचार हमारा है। मैं कोई यात्रा लेकर नहीं जा रहा हूँ, मैं हर संसार के लिए, हर बच्चे के लिए मत्था टेकने और माँ से फराद एक करने के लिए जा रहा हूँ कि माँ, इस जो दुख बीमारी है, इस दुख बीमारी को दूर करो, और इस दुख बीमारी दूर करके जैसे यात्रा आपकी आगे पीछे चलती है, वो सी दूसरे साल ये चलनी चाहिए, और ये दुख बीमारी का नाम भी नहीं होना चाहिए। सारे भक्तों को, सारे अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को, अपने संसार को सुख शांति दे माँ, ये दुख बीमारी दूर करो, बस इतना ही विचार मेरे पास है। जय माता। हर वर्ष की तरह इस बार जो है छड़ी यात्रा नहीं जा रही है, ये तीर्थराम जी का कहना था, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो, भक्तों की भीड़ इकट्ठी ना हो, उसके चलते सिर्फ कुछ ही लोग जो है इस यात्रा में जा रहे हैं। तीर्थराम जी का कहना था कि इस बार जो छड़ी यात्रा नहीं, मगर सिर्फ माथा टेकने के लिए माता के चरणों में जाया जा रहा है, कुछ लोग और भी हैं। किस तरह का अनुभव रहता है इस यात्रा को लेकर? जी, अपना नाम बताएं कि किस तरह का अनुभव रहता है इस यात्रा को लेकर आपका? बहुत ही अच्छा है, ये माता बहुत ही शक्तिशाली और सतयुगी वहाँ विराजमान है। मशेल तो हम पिछले 20-25 साल से जाते थे, यहाँ पर अभी हमने 7-8 साल से स्टार्ट किया है, और पता नहीं क्या कृपा है माता की, जिस साल से मैंने शुरू किया है, सुना था कि 1,000-2,000 ही लोग होते थे, जिस साल मैं गया था तो
पहले साल ही 10,000 के करीब थे, उसके बाद बढ़ती गई यात्रा। 2 साल पहले तो कोई 20,000 के लगभग थी, जो बाद में भी गए हैं। और अगर अभी कृपा रही माता की, हिमाचल की वहाँ बैरियर मान था जो J&K के साथ है, अभी थोड़े बहुत लिबरल हैं, तो रोज़ की 2-4-6 गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, SUV आ रही हैं। तो ये गुरु जी को माता के संकेत थे कि मेरे दरबार आओ। इन्होंने कहा माता रानी महामारी है, उन्होंने कहा महामारी तो मैंने ही ख़त्म करनी है ना, आप आ जाओ इधर हवन यज्ञ करो। तो ऐसे हमारी मीटिंग हुई मुख्य आदमियों की, तो हम कुछ एक लोग 100-150 लोग लेके वहाँ जा रहे हैं माता के हवन करने के लिए, विश्व शांति के लिए। बहुत ही शक्तिशाली है, जो भी आप प्रार्थना करो, ये चंडी माता का जो प्रकट स्थान है वो मिंदल है, तभी उसके बाद मशेल में माता का डेरा है, तभी आरती माता है कि प्रकट हुई माता मिंदल बठासा, डेरा लाया पाटर मशेला। जय माता दी, जय मिंदल माता। माता मिंदल की यात्रा के लिए, विश्राम के लिए जो है बटवाल क्षेत्र पहुंचे, जहां का जो है स्थानीय लोगों द्वारा, जहां यात्रा में जाने वाले लोगों के लिए खान पान का व्यवस्था की गई थी। स्थानीय युवा जो है प्रवीण सिंह हमारे साथ मौजूद है। प्रवीण जी, किस तरह का प्रबंध जो है यात्रा के लिए किए गए हैं? देखिए, जो मिंदल छड़ी यात्रा 2017 से हम यहाँ पे लंगर का प्रबंध किया जाता है, और हर साल यहाँ पे धूमधाम से लंगर लगाया जाता है, माता की श्रद्धालुओं का स्वागत किया है। लेकिन पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से जो यात्रा थी स्थगित कर दी गई थी, उसकी वजह से आज जहाँ पे हमारे गुरु जी आए, उनसे उन्होंने हमें कल रात को आज्ञा का पालन की, उन्होंने आज्ञा दी कि हम मिंदल के लिए जाएंगे, छड़ी यात्रा लेकर जाएंगे, आप बट्टू बनेंगे तो लंगर लगाइए। तो हमने एक दिन में यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई, और स्थानीय लोगों का बहुत साथ रहा हमारे साथ, जोर शोर से सभी युवा जो हमारे साथी थे यहाँ पर लंगर की व्यवस्था में लगे हैं। लेकिन हर साल की तरह उस साल यात्रा नहीं आई है, तो हम मिंदल माँ से यही प्रार्थना करेंगे कि हर साल अगली साल जो यात्रा है इससे बढ़ चढ़ कर श्रद्धालु भाग लें। आपने देखा कि मिंदल माता की यात्रा जो है उधमपुर के बटवाल क्षेत्र में पहुंची, लेकिन तीर्थराम जी का कहना था कि इस बार छड़ी यात्रा नहीं, थोड़ी सी लोगों को लेकर यात्रा ली जा रही है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते यात्रा को स्थगित किया गया था, और कुछ ही लोग जो है माता के दरबार में माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। और माता रानी के चरणों में यही निवेदन किया जाता है कि माता रानी इस कोरोना महामारी को लेकर जल्द ही विश्व को, पूरे देश को निजात दिलाए, इसी मनोकामना को लेकर यात्रा में लोग मिंदल माता के दरबार पहुंचने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन विष्णु मगोत्रा के साथ नवीन शर्मा, जम्मू परिवर्तन न्यूज़, उधमपुर।